विराट कोहली, एक दौर था जब विराट कोहली का सेंचुरी का सूखा लग गया था, लेकिन जब विराट कोहली वापस फॉर्म में लौटे और विराट कोहली के बल्ले से सेंचुरी लगना शुरू हुआ तो विराट कोहली एक के बाद एक सेंचुरी ठोकने लगे। आज भी विराट कोहली ने श्रीलंका के विरुद्ध 113 रन की शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत की स्कोर 373 रन तक पहुँचा दिए। तो दोस्तों, आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। भारत और श्रीलंका के बीच चल रहे पहले ओडीआई में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के शतकीय साझेदारी के बाद जब शुभमन गिल का 143 रन के स्कोर पर विकेट गिरता है तो विराट कोहली मैदान पर आते हैं। ये किसी को पता नहीं रहता है कि आज विराट कोहली शतकीय पारी खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा भी आज पूरा तैयारी करके आए थे, क्योंकि रोहित शर्मा मैदान पर आते आते ही अपना रंग दिखाने लगे और शानदार 83 रन का पारी खेले। ऐसा लग रहा था कि आज रोहित शर्मा शुभमन गिल दोनों ही सेंचुरी मारेंगे, लेकिन बदकिस्मती से उनका विकेट गिर गया, जिसके बाद शतकीय पारी का सपना विराट कोहली ने पूरा किया। विराट कोहली ने महज 87 गेंदों में 12 चौके 1 छक्कों की मदद से 113 रन की शानदार शतकीय पारी खेला। यह विराट कोहली के उनके कैरियर का 73वां सेंचुरी था। भारत की एक तरफ से विकेट गिरने की लड़ी लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली मैदान पर टिक कर एक जिम्मेदार बैट्समैन की तरह रन बनाते जा रहे थे। विकेट गिरने का असर विराट कोहली पर दिखा ही नहीं था। अंत अंत तक विराट कोहली ने 113 रन का शानदार पारी खेलकर भारत के स्कोर को 373 रन तक पहुंचा दिया। जहां तक श्रीलंकाई टीम को पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है, क्योंकि श्रीलंका ने बेहद ही खराब शुरुआत किया है, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि ये मैच बिल्कुल एक तरफा सा हो चुका है। भारत ये मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना लेगा। ऐसे दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको लगता है विराट कोहली 100 सेंचुरी ठोक पाएंगे? कॉमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक, हेमटेज 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स वीडियो के लिए।